हेलो एवरीवन, स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अचारी भिंडी की बहुत ही सिंपल लेकिन स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये अचारी भिंडी 7 से 8 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बनाने में मुश्किल भी नहीं है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। इसके लिए आधा किलो भिंडी ली है मैंने और इसको अच्छी तरह से धो लिया 2-3 पानी से, उसके बाद पोंछ लिया। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो अच्छी तरह से इसको पोंछ कर सुखा लें। उसके बाद इस भिंडी को 1-1 इंच के टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। इसका ये एक मैं काट के दिखा देती हूँ आपको किस तरह से काटनी है। इसका ये ऊपर से और नीचे का साइड से काट लेंगे, उसके बाद इसे हम 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। आप अपने पसंद के साइज और शेप में भी इसको काट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने, ये देखिए सैंपल दिखाती हूँ, थोड़ा सा इस तरह से तिरछा भी आप काट सकते हैं। अगर काटना चाहें तो इस तरह से थोड़ी सी तिरछी भी काट सकते हैं, या इस तरह के टुकड़ों में काट लें, जैसा आपको पसंद हो वैसा काट लें। तो इसे काट कर तैयार कर लिया है। अब अचारी भिंडी है तो इसमें अचार का मसाला डलेगा, वो मसाला हम तैयार कर लेते हैं। पहले मसाला बनाने के लिए लेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। इसकी जगह आप धनिया पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, अगर साबुत धनिया आपके पास ना हो तो धनिया पाउडर ले लें। 1 टेबल स्पून ये ले लेंगे। आधा छोटा चम्मच सरसों दाना, आप इसकी जगह पीली सरसों भी ले सकते हैं, ये काली वाली सरसों है। 1 टेबल स्पून सौंफ, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच जीरा और 10 से 12 दाने मेथी के हैं। मेथी ज्यादा नहीं डालें, इससे जो मसाले का टेस्ट है ये थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो मेथी कम ही लेनी है। 10 से 12 दाने ये हैं। इस मसाले को आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो अगर आप इसको बनाकर रख रहे हैं पहले से तो इसको आप रोस्ट कर लें धीमी आंच पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसको रोस्ट करें जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे, तब तक इसे रोस्ट करें। उसके बाद इसको आप पीस कर रखें तो ये लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, लगभग 1 महीने तक। मैं क्योंकि सब्जी में इसको सीधा डालने वाली हूँ तो इसलिए मैंने इसे रोस्ट नहीं किया है, जब हम सब्जी के साथ भूनेंगे तभी ये रोस्ट हो जाएगा, इसलिए इसे मैंने रोस्ट नहीं किया है। अब इसमें कुछ पिसे हुए मसाले भी हम डालेंगे, तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च तीखी वाली है इसलिए मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर है, अचार का खट्टा सा जो टेस्ट आएगा भिंडी में बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। और साथ ही इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, या अगर आप नमक का अंदाजा पहले से नहीं ले पाते हैं तो आप जब सब्जी बनाएं तो उस समय पर बाद में भी इसे डाल सकते हैं। मैं इसी समय डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सादा नमक। अब इस मसाले को हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह का दरदरा इसको पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर आप ना करें। तो मसाला तैयार है, अब भिंडी बनाना हम शुरू करते हैं। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून सरसों तेल। सरसों तेल का अगर यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अचारी भिंडी जो है सरसों तेल में ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप रिफाइंड का यूज कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून सरसों तेल को पहले ही मैंने धुआं उठने तक गर्म कर लिया है। अगर आप कच्चा सरसों तेल यूज कर रहे हैं तो उसको धुआं उठने तक जरूर गर्म कर लें, नहीं तो तेल का कच्चापन आता है। तो ये पहले से ही धुआं उठने तक गर्म करके ठंडा किया हुआ तेल है, तो ये 3 से 4 टेबल स्पून हम डाल देंगे और इसको गर्म होने देंगे हल्का सा। तेल हल्का गर्म हो गया है, अब इसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप इसकी जगह अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, या अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें 1 से 2 चुटकी हींग भी डाल सकते हैं। तो ये 1 छोटा चम्मच लहसुन डाल देंगे और इसको हम आधा मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। फ्लेम हमें लो रखनी है, अगर हम तेज आंच में से भूनेंगे तो एकदम से जल जाएगा, इसका कच्चापन खत्म हो जाए, बस इतना ही भूनना है। लहसुन को आधा मिनट के लिए भून लिया है, इसका कच्चापन खत्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे जो भिंडी हमने काट के रखी थी, और अब इसे हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखनी है, तेज आंच में फ्राई ना करें, नहीं तो भिंडी एकदम से जल जाएगी और सही से भून नहीं पाएगी, तो इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। भिंडी को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गई है पहले से, लगभग 70% ये पक चुकी है। अगर आपको लगे कि भिंडी में अभी कसर है, 70% के आसपास ये नहीं हुई, तो 1-2 मिनट इसे और आप फ्राई कर लें। तो ये फ्राई हो चुकी है, बाकी का 30% ये मसालों के साथ भून जाएगी,
तो अब हम इसमें जो मसाला हमने बनाकर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। मैं सारा मसाला डाल रही हूँ, अगर आप मसाले की मात्रा कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मसालों में मिक्स करने के बाद अब इसे हमें 3-4 मिनट के लिए और भून लेना है, जिससे कि भिंडी जो है पूरी तरह से पक भी जाए और मसाले भी भून जाए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और फ्लेम आपने लो कर लेनी है, तेज फ्लेम पे आप इसको नहीं भूनेंगे, नहीं तो मसाले जो है जल जाएंगे, टेस्ट खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे भूने। भिंडी पूरी तरह से पक चुकी है और मसाले भी भून चुके हैं, तो गैस अब हम कर देंगे बंद और इसे करेंगे सर्व। अचारी भिंडी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं या दाल चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।